नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 4, देहात और शहर। तो यहाँ पे जो भी पत्र दिए गए हैं ना, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इनका परिचय भी देख लेते हैं। तो समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ पत्र दिए गए हैं, तो इन पत्रों से संबंधित कुछ बातें हैं जो हम ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा परिचय तो क्या दिया है यहाँ पर कि प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे जो भी पत्र दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले डेट लिया हुआ है, देखो यहाँ पर डेट दिया है ना, दिनांक 1 अगस्त 2017। ठीक है, अब ये पत्र जो है ये किसको लिखा जा रहा है, तो देखो यहाँ पर लिखा है प्रिय मित्र शहर, मतलब यह पत्र लिखा जा रहा है किसको, शहर को। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। फिर आगे क्या कहते हैं आप ध्यान से देखते जाना। ठीक है, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गाँव में भी दिखाई पड़ने लगा है, मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है, ग्रामजन भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि कल तुमसे बात हुई, अब किससे बात हुई, तो शहर से बात हुई। ठीक है, शहर को ये पत्र लिख रहे हैं और कहते हैं कि कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर क्या लिखते हैं कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको दूरध्वनि पर नहीं बता सकता, दूरध्वनि मतलब मोबाइल फ़ोन पर मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि पत्र ही लिखूँ। फिर कहते हैं कि अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो, मतलब मैं अभी मेरे पास मुझे क्या दुख है, मैं उसे क्या बताऊं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। मतलब देखो, और सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई मिलता है तो जो दुखी लोग होते हैं ना, वो आपको सबसे पहले अपना दुख ही सुनाते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि अब मैं अपना दुख, मतलब मुझे तो दुख है वो मैं क्या रो, चलो मैं आपको अच्छी खबर सुनाता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखते हैं वो कि डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति मतलब आप अभी मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, डिजिटल क्रांति है ना। पहले थोड़े ना लोग मोबाइल फ़ोन से पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे क्या, नहीं। तो यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गाँव में भी दिखाई पड़ने लगा है, मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएँ हम तक पहुँचने लगी हैं। और मोबाइल के माध्यम से क्या होता है, सही बात है, मोबाइल पर हम न्यूज़ भी देख लेते हैं, सही है कि नहीं। तो मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है, मतलब ये जो परियोजना है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ठीक है, तो ये जो परियोजना है ये घर घर तक पहुंच गई है। ठीक है, ग्राम जन भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। अभी ग्रामजन मतलब क्या, जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, वह भी धीरे धीरे क्या क्या जानने लगे हैं, मतलब जो भी आधुनिक खेती की पद्धतियां हैं कि हम आधुनिक चीज़ों का यूज़ करके कैसे खेती अच्छे से कर सकते हैं, कैसे अपने फसल को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सब लोग जानने लगे हैं और घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, चलो अभी आगे पढ़ते हैं, आप समझते जाइएगा। ठीक है, आसान होता है हिंदी, बस आपको समझना है और कुछ नहीं, फिर एग्ज़ाम में आप फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हो। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं पर उनमें आवश्यक सुविधाएँ नहीं हैं, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। देखो इतने में लेखक जी क्या लिख रहे हैं, पहले आप इतना समझना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे।
तो यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि हालांकि कुछ परेशानियाँ अब भी वही की वही हैं। देखो पहले लेखक ने अच्छी खबर सुनाई, ठीक है, फिर वो बाद में कहते हैं कि कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जो वही की वही हैं, मतलब पहले जैसी थी वैसी ही अब भी हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, मतलब पीने का पानी जब हमें लाना पड़ता है क्योंकि गाँव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। और फिर क्या कहते हैं कि मेरे यहाँ विद्यालय तो है, मतलब मेरे यहाँ स्कूल्स तो है, लेकिन क्या नहीं है, उसमें जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, फिर कहते हैं महाविद्यालय मतलब क्या, कॉलेज हमारे गाँव से बहुत ही दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएँ, विकसित तकनीक हैं, तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती हैं। कभी कभी मन उदास हो जाता है, एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। तो पहले हम इतना समझते हैं, देखो यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है, मतलब यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अब तुम्हारे बारे मतलब शहर के बारे में, ठीक है, तो जब मैं शहर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है, विकसित तकनीक है, तुम्हारे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है ना। शहर की तो उन्नति होती ही रहती है, अभी आप देखो कि यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन कुछ साल बाद आओगे तो वहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, तो शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, तुम कितने सुखी हो। फिर यहाँ पे लेखक जी लिखते हैं कि शहर तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, है ना, यातायात के आधुनिक साधन यहीं पर तो होते हैं, यातायात मतलब आपको पता है गाड़ी वगैरह, ठीक है, फिर पक्की चौड़ी सड़कें, मतलब यातायात मतलब आप समझो इंग्लिश में से कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पर कि पक्की चौड़ी सड़कें भी हैं, फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में चार चांद लगा देती हैं, मतलब तुम्हारे यहाँ पर देखो क्या क्या है, आप ध्यान से समझना, हाँ, यातायात के आधुनिक साधन हैं, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यहाँ पे शहर में क्या होता है कि 24 घंटे बिजली रहती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में ऐसे एकदम रेगुलर मतलब कंटिन्यूअस लाइट नहीं रहती, वहाँ पे लाइट कटती रहती है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं कि कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, फिर यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन बहुत ही उदास हो जाता है, और फिर कहते हैं कि एक ज़माना था जब मेरे यहाँ पर बहुत ही खुशहाली थी, चारों तरफ क्या थी, हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। फिर देखो यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं, अभी एक बात आप यहाँ पे समझना, लेखक ये पत्र किसको लिख रहे हैं, शहर को। तो ये जो लेखक है ना, ये लेखक अपने आप को क्या समझ रहे हैं, देहात, समझो शहर और देहात। तो लेखक लिख रहे हैं किसको पत्र, शहर को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, लेखक शहर को पत्र लिख रहे हैं, तो लेखक अपने आप को क्या समझ रहे हैं, देहात, मतलब ये जो देहात है ना, ये पत्र लिख रहा है किसको, शहर को, आप ऐसा समझो। वैसे तो देहात और शहर ऐसा कोई पत्र लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि प्रिय मित्र शहर, अब शहर किसका मित्र होगा, थोड़ा आप सोचो, शहर किसका मित्र होगा, तो शहर मित्र होगा देहात का, ठीक है ना, तो ये पत्र कौन लिख रहा है, देहात लिख रहा है किसको, शहर को, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। चलो अभी आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ, मतलब मेरे यहाँ पर बेरोजगारी है,
आपसी झगड़े होते रहते हैं, लोग आपस में झगड़े करते रहते हैं, गुटबाजी है, अशांति जैसी समस्याओं से मैं घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। मतलब यहाँ के, क्योंकि देखो गांव में क्या होता है, लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो वो कैसे रहते हैं, मतलब उनको पढ़ना नहीं आता, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो देहात है वो लिख रहा है कि यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग, मतलब जो क्या है, अशिक्षित है, जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं, या फिर पढ़ा है तो एकदम थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो वो लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है, और ये लोग न पढ़ने लिखने की वजह से इन लोग को पता नहीं कि परिवार कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके वजह से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे, आप ही सोचो, अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर कैसे उन लोगों को काम मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो काम होता है, जो भी जॉब्स होते हैं, वो तो लिमिटेड होती है, तो फिर उन लोगों को कैसे मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या जो होनी चाहिए ना, ये कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारे ओर दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो देहात क्या कह रहा है, एकदम दुखी मन से कह रहा है कि रोजगार की तलाश में लोग कहाँ पर जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शहर में जाएंगे, हमें काम मिलेगा, हम कम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, इसलिए सब लोग जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ भी नहीं है, और सही बात भी है ना, वो लोग गाँव में क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर तो ना स्कूल्स अच्छे हैं, ना कॉलेजेस तो बहुत दूर दूर है, ठीक है, और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां भी हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, और बीमारियां हैं लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है, मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। फिर यहाँ पर जो देहात है वो शहर से कहता है कि मेरा परिवार टूट सा रहा है, मतलब मुझे मेरा परिवार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए मैं क्या करूँ, तुम्हारा मित्र देहात। समझ में आया बच्चों? तो ये पत्र किसने लिखा था? देहात ने लिखा था। किसको लिखा था? शहर को लिखा था, ठीक है ना। चलो अभी आगे क्या है यहाँ पर, प्रिय मित्र देहात। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब जो शहर है ना वह देहात को पत्र लिख रहा है, पहले देहात ने शहर को लिखा, अब देहात किसको लिख रहा है? शहर को ये पत्र लिख रहा है। तो चलो इस पत्र को भी हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। तो क्या दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पे डेट दिया है, दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात नमस्कार। तो शहर जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रिय मित्र देहात नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है। हाँ, 15 अगस्त को क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस होता है ना। 15 अगस्त को क्या होता है? आप मनाते हो ना इंडिपेंडेंस डे, तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? आज़ादी, ठीक है। 15 अगस्त के दिन हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। देखो यहाँ पे सहज लिख रहे हैं कि आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में तुम्हें हार्दिक बधाई, तुम्हारा पत्र मुझे मिला तुम्हारी प्रगति के बारे में। अभी प्रगति मतलब क्या? जो तुम्हारा विकास हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो देहात था उसने अच्छी अच्छी खबर सुनाई थी ना कि यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे शहर बोल रहा है कि तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सही बात है ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसे देखो जब आप छोटे होते हो तो कैसे होते हो, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हो तब आपका जो चेहरा होता है वो भी बदलने लगता है ना। कई लोग, आप जब छोटे रहते हो तो आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हो तो वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं। तो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ठीक है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, फिर यहाँ पे जो शहर है वो लिख रहा है कि भला परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो फिर तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती।
धीरे धीरे और भी विकास होगा, और तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारा और भी विकास होगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है देखो, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अच्छा अभी इसको समझना बच्चों, देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि धीरे धीरे रे मना, मतलब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मतलब धीरे धीरे ही धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, मतलब देखो माली जो है वो सौ घड़ा सींचता है, ठीक है, लेकिन अच्छा वो सींचेगा, बार बार पानी देगा, बार बार पानी देगा, तो क्या उसमें फल लग जाएंगे? नहीं। जब ऋतु आएगी, जैसे आम का सीज़न, मतलब देखो आम का पेड़ है, आप उस पर खूब पानी डालो, खूब पानी डालो, खूब पानी डालो, तो क्या उसमें फल आ जाएंगे? नहीं। जब तक उसकी ऋतु नहीं आएगी, उसका सीज़न नहीं आएगा, तब तक फल उस पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं, चिराग तले अंधेरा है, जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ के दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, आप इसको समझना, ठीक है। क्या कहता है जो शहर है, वो क्या कहता है कि माना कि कुछ परेशानियाँ हैं, मतलब मानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं, और वहाँ के परिवार जो हैं वो तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर भी कहाँ सब सुखी होते हैं? जिसको अच्छा काम धंधा मिल गया वो तो करता है, लेकिन जिसको कुछ नहीं मिलता वो जैसे गांव में रहता था उससे भी खराब स्थिति में वो पहुंच जाता है मेरे यहाँ पर आकर के। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या, जैसे देखो दिया जलता रहता है, ठीक है, तो दिया जब जलता है, देखो दिया जलता है तो वो हर तरफ तो अपनी रोशनी फैलाता है, ठीक है, दिया जल रहा है, हर तरफ अपनी रोशनी फैला रहा है, लेकिन इसके नीचे जब आप देखोगे तो क्या यहाँ पे रोशनी होती है? बोलो बोलो, नहीं होती है। तो चिराग तले अंधेरा, ठीक है। चलो आगे देखो क्या दिया यहाँ पर कि जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित तो हो जाओगे। मतलब यहाँ पे शहर बोल रहा है कि यहाँ पर आकर वो लोग कहाँ सुखी रहते हैं, जिन स्थितियों में वो रहते हैं, मतलब जिन बस्तियों में वो रहते हैं, अगर तुम उसके बारे में सुनोगे तो तुम और भी बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती जो भीड़ है ना, मैं उससे बहुत ही परेशान हो उठा हूँ। सही बात है, आप शहर में देखो कितनी पीपा पीपा रोड पर निकल जाओ तो कितनी भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग को बस शहर ही आना है, ठीक है ना। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं, और देहात तुम जिस चमक धमक की बात कर रहे हो वह सबको नसीब नहीं होती, ठीक है। जो तुम्हारे यहाँ से, मतलब देहात से इस शहर में आते हैं, वो कई बार तो बाद में पछताते भी हैं, क्योंकि जब नए शहर में आते हैं तो उनको काम नहीं मिलता, उनकी कोई पहचान नहीं होती, लोग उनको नहीं जानते, तो फिर उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे शहर क्या लिखते हैं, मतलब जो शहर है वो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। मतलब मैं चाहता हूँ कि समय रहते तुम बताओ कि तुम्हारी कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ऐसा शहर देहात को बोल रहे हैं कि लोगों को आप ऐसे समझाओ। और छोटा परिवार सुखी परिवार की जो बात है अब तो उनकी समझ में आई जानी चाहिए, क्योंकि छोटा परिवार होता है तभी तो सुखी होता है। एक घर में 10, 11, 12 बच्चे रहेंगे तो फिर किसी को कपड़े नहीं मिले, किसी को खाने नहीं मिले,
तो ऐसे क्या, वो लोग तो हमेशा दुखी रहेंगे, है ना। और जिस परिवार में एक दो बच्चे हैं तो फिर वो कितने अच्छे से रहते हैं। तो यहाँ पे यही लेखक जी लिख रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार की बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायिक कौशलों, कंप्यूटर, मतलब तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर जो भी कौशल होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की जो भी स्किल्स हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है ना, और इसकी तरफ तुम ध्यान दो, ठीक है। कैसे लोगों को कंप्यूटर, क्योंकि देखो गांव में लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है, बस वो खेती करते रहते हैं या फिर बस ये सोचते हैं कि हम शहर में चले जाएं। लेकिन जब वो शहर में आते हैं उनको उससे भी बेकार काम मिलता है करने के लिए, अच्छे से रहने को भी नहीं मिलता, फिर इसका फ़ायदा क्या। इसलिए जब आप गाँव में रहते हो तो आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर शहर देहात को बताते हैं, ठीक है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। फिर यहाँ पर जो शहर है वो लिख रहे हैं कि खेल क्या है, ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, वो तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। सही बात है, गांव के लड़के जो जितनी तेज़ी से दौड़ सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, तो ऐसा थोड़े ना कोई शहर में कर सकता है। क्योंकि शहर में क्या, दिन भर लोग जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खेलते नहीं है। मतलब देखो गाँव में कैसे पेड़ होते हैं तो बच्चे जाते हैं पेड़ों पर खेलते हैं, बहुत सारे खेत होते हैं तो उसमें जाके दौड़ते हैं, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो खेल में बहुत ही आगे होते हैं। जैसे आप कभी गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां के बच्चे आपसे भी तेज़ दौड़ते हैं, आपसे भी अच्छा खेलते हैं, पेड़ों पर चढ़ने उतरने वाला खेल होता है ना, तो वो खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शहर यही बोल रहे हैं, ठीक है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। हाँ, ये भी सही बात है, क्योंकि आज बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो, अब सुनना किसी खिलाड़ी के बारे में तो वो गांव से ही आगे बढ़े, क्योंकि गांव में जब वो छोटे रहते थे तो फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, तो उसी से वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। उनको प्रोत्साहित करना, मतलब उनको प्रोत्साहन देना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। फिर यहां पर शहर क्या लिख रहा है कि अपने गांव को परिवार समझकर, मतलब तुम अपने गांव को क्या समझो, परिवार समझो, ठीक है, उसे विकसित करने का प्रयत्न तुम्हें करना ही होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो क्या लिखा है। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मतलब तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण क्या है, मतलब इसकी जड़ में क्या है, दिनों दिन बढ़ती आबादी। देखो ध्यान देना इस बात को, हाँ, ये जो सारी समस्याएं निर्मित हुई हैं ये किसके कारण हुई है, तो ये जो दिनों दिन आबादी बढ़ रही है ना, इसकी वजह से ही इतनी सारी परेशानियां क्रिएट हुई हैं, ठीक है। और देखो सबसे पहले आबादी को लिखा है क्योंकि ये तो एक मेन प्रॉब्लम है, एंड देन अशिक्षा और गरीबी, ठीक है। लोग शिक्षित नहीं होते, क्योंकि आप ही सोचो अगर ज़्यादा किसी परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं तो इंसान सोचेगा क्या बड़े बड़े उनको पढ़ाने की, वो क्या सोचेगा कि पहले मैं इनका पेट भरूँ फिर मैं बाद में इनको पढ़ाने के बारे में सोचूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं वो लोग पढ़ लिख नहीं पाते, बस ऐसे ही घूमते रहते, दिन भर खेलेंगे खाएंगे, बस उनको खाने से मतलब रहता है। ऐसे थोड़ा ना होता है, अगर तुम ऐसे रहोगे तो फिर बड़े होकर तुम भी उन्हीं के जैसे बनोगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो समस्याएं हैं इसका कारण क्या है, बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी, ठीक है। चलो आगे देखो। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे, तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फल उत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें।
चलो बच्चों यहाँ पर देखो आगे क्या लिखते हैं शहर जी कि मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे, इसके लिए तुम क्या करो, गांव वालों को सहकारिता, सहकारिता मतलब क्या, एक साथ मिलकर के काम करना, इसका महत्व उन्हें समझाओ, ठीक है। और सहकारिता पर आधारित जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में तुम उन्हें बताओ, वहाँ पर शुरू करवाओ, ताकि जो कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर पे क्या हो, डिपेंड हो, ठीक है, डिपेंडेंट हो। जैसे कि फलोत्पादन, फलोत्पादन मतलब आपको पता है फल का उत्पादन, ठीक है, ये गाँव में बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और औषधीय वनस्पतियों की खेती, औषधीय वनस्पतियों मतलब जिससे उपचार किया जाता है ना, वैद्य जी होते हैं, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ठीक है, तो गांव में आप ये भी कर सकते हो। फिर पशुपालन, हाँ पशुपालन भी कर सकते हो, पशु पालिए, गाय पालिए, फिर आप क्या करो उसके दूध को बेच करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जो गाँव में भी किए जा सकते हैं, बस आपको क्या करना होगा, एक काम पे लगे रहना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको लास्ट में उसका फल जरूर से जरूर मिलेगा। बस कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं और फिर सोचते हैं अरे अरे मुझे तो फल ही नहीं मिला, चलो चलो मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी काम में लगे हो तो आप ये मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में, आप ऐसा मत सोचो, आप उस काम को एकदम मन लगा के करो, मुझे मिले या ना मिले मैं तो करूँगा, और देखना फिर लास्ट में आपको उसका फल जरूर ही मिलेगा। मैं आपको बस ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ठीक है, मेरा ये खुद का अनुभव है, फिर मैं आपको बता रही हूँ। चलो ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, ये सब सारी बातें छोड़ो। देखो अभी जो शहर है वो क्या कहता है कि अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। फिर यहाँ पे शहर बोल रहे हैं कि अरे देहात भाई तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। जैसे देखो गाँव में इतना प्रदूषण नहीं होता जितना शहर में होता है, क्योंकि शहर में ये पीपा होते रहते, धुआं निकलता रहता है, कहीं पे बहुत सारे फैक्ट्रीज होते तो उसमें से धुआं निकलता है, ये सारे क्या होते हैं, ये सभी पॉल्यूशन, इनकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। लेकिन गांव में ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती, इतने सारे गाड़ियां नहीं चलती, इसलिए वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध स्वच्छ और निर्मल रहता है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखते हैं कि खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपो, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ तुम्हारे पास है। और रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता से हो जाते हैं। हाँ अगर आप गांव में रहोगे ना तो जो सूरज दादा उगते हैं सुबह सुबह उनके दर्शन आपको बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। लेकिन शहर में देखो तो सूरज दादा को देखने के लिए आपको कहीं पे तो चढ़ के देखना पड़ेगा या फिर रोड पे जाके निकलना पड़ेगा, ठीक है, आपको ऐसे दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन जब आप गांव में होते हो तो आप अपने घर के नीचे से भी देखोगे ना तो आपको सूरज दादा के दर्शन हो जाएंगे, और रात में तारों भरा आसमान ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो शहर है वो क्या लिखता है कि हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। हाँ सही बात है, यहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स होती है शहर में, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे करके बिल्डिंग्स होती रहती हैं, ठीक है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ है। यहाँ पे खुला आसमान और बड़ा मैदान हमारे लिए तो कितने दुर्लभ है ना, शहर ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्रों के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। मतलब तुम्हारे यहाँ के जो भी लोग हैं, तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास मतलब पूरा विकास करने के लिए क्या करें, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लें, ठीक है। चलो आगे देखो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं यदि अभी से उन्हें सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं, वे ही हमारे आशा स्थान हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। फिर देखो यहाँ पर लास्ट में शहर क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं अगर अभी से उन्हें सही दिशा दी जाए, जैसे बच्चों आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आपको अभी से शिक्षा दी जाए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो अभी से आप सीख पाओगे। क्योंकि बड़े होने के बाद ना अगर कोई किसी को कोई बात समझाता है ना तो उसे वो बात बुरी लगती है, ठीक है, फिर वो समझना नहीं चाहता। इसलिए छोटे बच्चे जब होते हैं ना तब उन्हें आप अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, वो डेफिनेटली सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे कैसे होते हैं ना, वो आपकी हर बात मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
जो शहर है ना वो क्या लिख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मतलब अभी जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें अभी से सही दिशा और उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में जो हम सब की व्यथा, मतलब इतनी सारी परेशानियां हैं, इन सारी परेशानियों का निदान हो सकता है। ठीक है, वे ही हमारे आशा स्थान हैं, मतलब हम उन्हीं से कुछ आशा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बस आशा कर लिया, नहीं, उनको उचित मार्गदर्शन देना पड़ेगा, उनको वो शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम उनसे आशा कर सकते हैं। जैसे देखो, समझो कोई लड़का है, ठीक है, उसके माता पिता उसको नहीं पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि ये बड़ा होकर के हमारी मदद करेगा, ठीक है, ये बनेगा वो बनेगा, तो ऐसे थोड़े ना होगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप उससे कोई आशा रख रहे हो तो आपको उसे पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, तभी तो वो आपकी हेल्प कर सकेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लास्ट में शेयर क्या कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों पर अवश्य ही ध्यान दोगे। ठीक है, तुम्हारा अपना शहर। तो देखा बच्चों, यहाँ पर जो शहर था, ये शहर ने किसको पत्र लिखा था, देहात को, और यहाँ पर देहात ने पत्र लिखा था शहर को। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो दोनों पत्र हमने पढ़े, इससे आपको कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस पत्र से बहुत सारी चीज़ें देखने सीखने को मिली होंगी, ठीक है, और आप उनको अपने जीवन में अवश्य उतारोगे, क्योंकि बस पढ़ लेना और फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना, ऐसा यही इनफ नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाया जाता है आप उसको समझो, सीखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे शब्द वाटिका भी देख लेते हैं, जिससे आपको जो कठिन शब्द हैं उनका मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो साझा करना मतलब क्या होता है, बांटना। रौनक मतलब चमक दमक, व्यथित मतलब दुखी, मुहावरे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, व्यथित मतलब दुखी, और फिर यहाँ पर भी है विख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध, आबादी मतलब जनसंख्या, चिल्लपो मतलब शोर। अब मुहावरे देखेंगे, तो दुखड़ा रोना मतलब दुख सुनाना, दिन दूनी रात चौगुनी, उन्नति मतलब तेज गति से विकास, चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना, कहावत यहाँ पर एक है, चिराग तले अंधेरा मतलब योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने लेसन नंबर, कौन सा लेसन था, लेसन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट किया, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।